गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन SGPS ऑनलाइन क्लासेस। आवर टुडे सब्जेक्ट इज इंग्लिश एंड टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 3, गोल्डन बकेट। ओके, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन आंसर्स, मीनिंग और एक्टिविटी वर्क किया था और एक पोएम लर्न की थी प्रिटेंडिंग। आज की वीडियो में हम जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है बुक में वो करेंगे, ओनली बुक वर्क। ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज सी। सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। बच्चों यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए, जहाँ ब्लैंक स्पेस है वहाँ टू ऑप्शन दिए, उनमें से वन ऑप्शन राइट है, वो आपको फिल करना है। नंबर वन, जॉन्स बकेट वॉज, जॉन की बकेट थी, कैसी थी, खाली थी या भरी थी, तो फुल। नेक्स्ट, द ओल्ड मैंस बकेट वॉज मेड ऑफ, ओल्ड मैन की जो बकेट थी वो किसकी बनी हुई थी, गोल्ड की और कॉपर की, तो आंसर इज गोल्ड। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन वॉन्टेड टू, ओल्ड मैन क्या करना चाहता था, सोना चाहता था या रेस्ट करना चाहता था, सो रेस्ट। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन चेंज इन टू, जो बूढ़ा आदमी था वो किस में बदल गया, किंग में या फेरी में, आंसर इज फेरी। नेक्स्ट, मदर वॉज फॉर जॉन, जॉन की मम्मी उसके लिए क्या थी, ग्लैड, ग्लैड मीन्स खुश थी। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स, बच्चों यहाँ जो सेंटेंस दिए गए हैं वो यदि लेसन के अकॉर्डिंग राइट है तो उसके सामने राइट का मार्क करना है, और अगर रॉन्ग है तो उसके सामने रॉन्ग का मार्क करना है। जॉन वॉज प्लाइंग इन द जंगल, जॉन जंगल में खेल रहा था, रॉन्ग। द ओल्ड मैन हैड अ बकेट, ओल्ड मैन के पास एक बकेट बाल्टी थी, यस। द बकेट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, वो बकेट जो थी वो सोने की बनी हुई थी, राइट। जॉन डिड नॉट गिव हिज बेरीज टू द मैन, ओल्ड मैन, जॉन ने अपने जामुन ओल्ड मैन को नहीं दिए, रॉन्ग। द ओल्ड मैन वॉज एंडेड अ फेरी, बच्चों एंडेड मीन्स होता है वास्तव में, तो जो ओल्ड मैन था वो वास्तव में एक परी थी, राइट। जॉन्स मदर वॉज सेड, जॉन की मम्मी दुखी थी क्योंकि उसने जॉन ने बेरी दे दिए थे, जामुन दे दिए थे, तो आंसर इज रॉन्ग। नेक्स्ट, वी से अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, सर्कल द वर्ड्स दैट गो विद द वर्ड्स इन कैपिटल लेटर्स। बच्चों देखिए यहाँ वन साइड तो कैपिटल लेटर्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और अदर साइड, दूसरी साइड यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में कुछ वर्ड्स हैं। हमें यहाँ पर ये करना है कि जो भी इधर से स्मॉल लेटर्स के जो भी वर्ड्स हैं वो कैपिटल लेटर से रिलेटेड हैं यदि, तो उन वर्ड्स पे हमें सर्कल बनाना है। जैसे फर्स्ट, अ पीस ऑफ, किस किस का पीस हो सकता है, चीज, क्लॉथ एंड केक, तो चीज का पीस हो सकता है और केक का पीस हो सकता है। नेक्स्ट, अ बॉक्स ऑफ, बॉक्स किस किस का हो सकता है, मैच स्टिक मीन्स माचिस की तुली, तो उसका बॉक्स होगा, और क्रेयॉन्स यानी जो मोम कलर होते हैं उनका भी बॉक्स होगा, वाटर का बॉक्स नहीं हो सकता। अ बंडल ऑफ, बंडल किस किस के होते हैं, तो स्टिक्स का बंडल होगा, क्लॉथ्स का बंडल होगा, ग्रेप्स का तो बंच होता है ना। अ पेयर ऑफ, किस किस के पैर होते हैं, पैर है ना, जोड़ी, जोड़ी किस किस की होती है, शूज और आईज, आईज टू होती है, शूज भी टू होते हैं, लेदर का पैर नहीं होता। अब बंच ऑफ, बंच किसका होता है, एप्पल का नहीं होता, एप्पल तो ऑफ अलग अलग होती है, कीज का बंच होता है और क्रैप्स का बंच होता है। अ ड्रॉप ऑफ, बूंद किसकी होगी, वाटर और ब्लड, एप्पल की ड्रॉप नहीं हो सकती। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, मेक स्मॉलर वर्ड्स फ्रॉम दिस वर्ड्स, ये जो एक वर्ड दे रखा है FAIR, इसके टुकड़े करके हम कौन कौन से वर्ड्स बना सकते हैं वो हमें यहाँ बनाना है। तो यहाँ फेरी से फेयर बना है और एयर बना है, उसी तरह यहाँ टीचर से टीच बना है और हर बना है, चेयर से एयर बनी है और हेयर बने हैं, गोल्डन से ओल्ड बना है और डेन, कारपेट से कार बनी है और पेट बना है। तो इस तरह से आपको भी एक वर्ड के टुकड़े करके स्मॉल वर्ड जितने भी बनते हैं वो यहाँ लिखने हैं।
नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज एच, फाइंड द राइमिंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स ऑन दिस वॉल, कलर द ब्रिक्स ऑफ द राइमिंग वर्ड्स विद द सेम कलर। बच्चों यहाँ पर इसको एक बार हम जूम कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो भी वर्ड्स लिखे हैं उसमें से टू वर्ड्स राइमिंग है। राइमिंग मीन्स होता है बच्चों सिमिलर साउंड वाले वर्ड्स, तो यहाँ पर जो भी राइमिंग वर्ड्स हैं उसमें हमें सेम कलर फील करना है। जैसे नियर, नियर का राइमिंग वर्ड होता है बच्चों डियर, तो हम यहाँ नियर में इस तरह से रेड कलर करेंगे और डियर में भी इसी तरह से रेड कलर कर देंगे, है ना, पूरे बॉक्स को आप रेड कर देंगे। उसी तरह से जैसे कि हमारा है नेक्स्ट वर्ड लेदर, लेदर से सिमिलर वर्ड राइमिंग वर्ड है वेदर, तो हम यहाँ पर ब्लू कलर कर देते हैं। ओके, वेदर और लेदर, इस तरह से आपको सिमिलर साउंड वाले जो भी वर्ड्स हैं, दो दो वर्ड्स सिमिलर साउंड के हैं, उनमें सेम कलर फील करना है। ओके ठीक है, इसी तरह से एक और मेज आपको दिया है, एक तरफ इसमें यहाँ हेल्पर्स के नेम लिखे हैं और सामने उनका वर्क लिखा हुआ है। फर्स्ट अ नर्स, नर्स क्या काम करती है, तो लुक्स आफ्टर द पेशेंट, यहाँ आप वन नंबर लिखेंगे। टू नंबर अ फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट यानी जो फूल बेचता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सेल्स फ्लावर के सामने टू नंबर। थर्ड नंबर कारपेंटर, कारपेंटर मीन्स जो लकड़ी का काम करता है। मैक्स फर्नीचर थ्री नंबर। अब बेकर, बेकर मीन्स जो क्या करता है, ब्रेड और केक और ये सारी चीज़ें बनाता है, तो बेक्स केक्स एंड बिस्किट्स फोर नंबर। और टीचर, टीचर क्या करता है, बच्चों को पढ़ाता है, तो आप लिखेंगे टीचर्स इन द स्कूल फाइव नंबर। यहाँ सिक्स नंबर और डॉक्टर, डॉक्टर क्या करता है, ट्रीट्स द सिक, बीमार लोगों का इलाज करता है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिक्स नंबर। अब बार्बर, बार्बर क्या करता है, हमारे बाल काटता है, तो कट्स एंड ट्रिम्स हेयर, यहाँ सेवन नंबर। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों कि जहाँ भी जो वर्ड्स किसी भी नाउन के स्पेस पे आते हैं वो होते हैं प्रोनाउन। जैसे यदि किसी लड़के लड़की लेडीज़ जेंट्स किसी का नाम है, अगर वहाँ पर आपको प्रोनाउन यूज़ करना है तो आप ही और शी यूज़ करेंगे, किसी थिंग के लिए यूज़ करना है तो आप इट करेंगे, है ना, इस तरह से यहाँ पर हमें प्रोनाउन यूज़ करना है। फर्स्ट नंबर हैव यू सीन माई मोबाइल, क्या तुमने मेरा मोबाइल देखा, तो यहाँ लिखेंगे यू। नेक्स्ट राजू इज माई ब्रदर, ही इज़ नाइन ईयर्स ओल्ड, अब राजू को यहाँ दूसरी बार नहीं लिख के यहाँ हमने ही लिख दिया। द वुमन इज इन द ग्रीन साड़ी, जो ग्रीन साड़ी में औरत है, शी इज़ माई आंट, तो उन्हीं वुमन नहीं लिख के वापस यहाँ शी लिख दिया। बॉबी इज माई ब्रदर, बॉबी जो है मेरा ब्रदर है और हम दोनों, अब यहाँ दो है इसलिए यहाँ वी लिख दिया, वी आर ट्विंस। नेक्स्ट जॉन एंड डेविड आर इन द पार्क, जॉन और डेविड कहाँ हैं, पार्क में हैं, और वो दोनों हैं लेकिन वो हमारे सामने नहीं होकर कहीं और है, इसलिए यहाँ हमने लिखा दे। नेक्स्ट राइट योर डेली टाइम टेबल, बच्चों यहाँ पर आपको जो आपका रूटीन का टाइम टेबल है, आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब खाते हैं, कब ब्रेकफास्ट करते हैं, कब स्कूल जाते हैं, ये सारा आपको यहाँ टाइम फील करना है। जैसे आई वेक अप एट 6 AM, में सुबह उठती हूँ 6 AM। आई टेक बाथ एट, मैं नहाती हूँ 7 AM। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 7:30 AM, में ब्रेकफास्ट कब करती हूँ 7:30 AM। आई लीव फॉर स्कूल एट, मैं स्कूल के लिए निकलती हूँ 8 AM। आई कम बैक फ्रॉम स्कूल एट 1 PM। आई हैव लंच एट, मैं खाना खाती हूँ, लंच करती हूँ कब 2 PM। आई रेस्ट एट, मैं रेस्ट करती हूँ 3 PM।
आई गो टू प्ले एट, मैं खेलने जाती हूँ 5 PM. आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करती हूँ 6 PM. आई हैव डिनर एट, मैं रात का खाना खाती हूँ 8 PM. एंड लास्ट आई गो टू बेड, और मैं सोती हूँ 9:30 PM. तो बच्चों इस तरह से आप भी अपना जो रूटीन का टाइमिंग है वो यहाँ फिल करेंगे. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.